लाखों जान लेने वाली टीबी जैसी घातक बीमारी, आज इसका इलाज संभव है। डॉट्स जैसे कैंपेनिंग अभियानों के तहत इसका इलाज किया जा रहा है और भारी संख्या में मरीजों को स्वस्थ भी किया जा रहा है। पर टीबी होती क्यों है, इसके पीछे का मुख्य कारण आपके शरीर की इम्यून शक्ति का कमज़ोर हो जाना है। ऐसे में यहाँ पर मैं कुछ घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं और टीबी में घरेलू स्तर पर राहत पा सकते हैं। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि घरेलू स्तर पर आप इसका इलाज करके खुद को स्वस्थ बना लेंगे, लेकिन हाँ, टीबी के संक्रामक कारण से आप खुद को जल्द रिकवर कर पाएंगे, जल्द स्वस्थ हो पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, सबसे पहला है 200 ग्राम शहद, 200 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम गाय का घी, तीनों को मिला लें। रोगी को 6-6 ग्राम दवा दिन में कई बार चटाएं, साथ में गाय या बकरी का दूध भी पिलाएं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है, रोज़ सुबह और शाम को जब पेट खाली हो, आधा कप प्याज का रस एक चुटकी हींग डालकर पिएं। केवल इम्यूनिटी मजबूत करता है, इसलिए आपको केले का सेवन करना चाहिए। एक पका केला लें, मसलकर इसमें एक आधा कप दही और एक चम्मच शहद मिलाएं और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ताजे संतरे के रस में थोड़ा सा नमक और शहद मिलाकर रोजाना सुबह शाम पिएं। संतरा इम्यूनिटी मजबूत करता है, साथ ही फेफड़े से कफ साफ करने में मदद करता है। टीबी के उपचार के लिए शरीफा भी बेहद फ़ायदेमंद है। शरीफे का गूदा निकालकर इसे खाना चाहिए। अखरोट टीबी के मरीज को ताकत देता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और जल्दी ठीक होने में मदद करता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं यदि आपको टीबी है और यदि आप टीबी से बचना चाहते हैं या जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, तो जो नॉर्मल आपका ट्रीटमेंट चल रहा है एलोपैथी के तहत, तो उसको तो लीजिए, साथ में इनको भी आप अपनाएंगे तो आप बहुत जल्द अपने आप को रिकवर कर पाएंगे, स्वस्थ कर पाएंगे। तो उम्मीद है दीगा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके काम आई होगी। आगे मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।